हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी गुलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल जो लेक्चर हमारा अपलोड हुआ था वो था मैटर वन, ठीक है। मतलब मैटर का लेक्चर वन था, ये लेक्चर टू है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो न्यूमेरिकल्स के बारे में होगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं कि जो मैटर का लेक्चर टू है उसमें कहाँ है मेल्टिंग पॉइंट। अब हम जानेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्ट का मतलब यही होता है जैसे कि चीनी होती है, ठीक है। उसको आप क्या करिए, गर्म करिए तो क्या होता है, सीढ़ा में बदल जाता है। तो जो जिस टेम्परेचर पे, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे जो चीनी है वो सीढ़ी में बदल जाएगा तो वो उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। वैसे ही क्या होता है, आइस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये बर्फ है, इसको क्या करेंगे, जब आप पिघला देंगे, ठीक है, क्या होगा, पिघला देंगे तो जिस टेम्परेचर पे, ठीक है, जिस टेम्परेचर पर क्या होगा, पानी में बदल जाएगा, वो इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसा कि आप जानते हैं जो बर्फ होता है वो डिग्री जीरो डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मतलब पानी जो होता है जीरो डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में बदल जाता है। लेकिन जब आप इसको क्या करेंगे, हीट देंगे हल्का हल्का, तो जैसे ही ये इससे आगे बढ़ेगा, जैसे ही जीरो डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करेगा, वो किस में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा। तो ये इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। वैसे ही जो लोहा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तो लोहे का मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जिस डिग्री सेल्सियस पे क्या हो कि हम किसी चीज़ को पिघला सकें, वो उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट का मतलब टेम्परेचर, वो टेम्परेचर को बताता है कि इस टेम्परेचर पे, जैसे कि आपके पास एक स्केल होती है, क्या होती है, स्केल होती है, 1 2 3 4 5 है। आपने क्या किया, इसको एक बॉक्स में डाला, इसके अंदर क्या है, एक लोहा भरा है, इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, अब जब इसको गर्म करेंगे तो आप देखेंगे 1400 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, ये लोहा क्या हो रहा है, पिघल जा रहा है। तो इस टेम्परेचर पे ये जो पॉइंट है, क्या है, ये जो पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट है किसका, लोहे का। वैसे पानी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जब जीरो डिग्री सेल्सियस आप क्रॉस करेंगे वो पानी का हो जाता है। वैसे ही अलग अलग पदार्थ क्या होता है, अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक पॉइंट था जो मैं अब आपको बताऊंगा, वो आपको समझना बहुत जरूरी है, लैटेंट हीट। क्या है, लैटेंट हीट क्या होता है, इसको समझने से पहले हम एक चीज़ समझेंगे। देखिए, आपके घर में जब क्या होता है कि 4-5 लोग रहते हैं, ठीक है, अब आपको अगर झगड़ा करना है तो आप क्या कान में भरते हैं, खूब भरेंगे। एक टाइम पर भरते भरते उस इंसान के दिमाग में इतना भर जाता है कि बोलता है मार साले को जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपने एक टाइम तक उसको भरा, अब आपने भरना बंद कर दिया, जो भरा था वो काम कर रहा है, अब वो क्या फैल रहा है, उसके अंदर उत्तेजना आ रही है, चिल्ला रहा है, झगड़ा कर रहा है। वैसे ही क्या होता है कि देखिए, जैसे ये हमारा क्या है, पानी है, ठीक है, आप इसको टेम्परेचर दे रहे हो कितना, पहले 1 दिया, फिर 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, अभी तक क्या है, इसमें कुछ खास बदलाव नहीं है, अभी ये गर्म हो रहा है, मतलब इसके अंदर क्या कानाफूसी कर रहे हो, टेम्परेचर क्या है, इससे इसके अंदर पूरा दे रहे हो, अभी क्या गर्म हो रहा है, बस कर यार, लेकिन तुम उसके क्या उसको धुआं, मतलब पूरे वो पंप किए हो, नहीं तुमको तुम्हारी तो ऐसी तैसी कर देंगे। अब ये क्या हो रहा है, लाल हो रहा है, गर्म हो रहा है। फिर 99 तक आता है, अब इसका क्या होता है, कहता है देख भाई, अब मेरा जवाब, मतलब मेरा वो हौसला जवाब दे जाएगा, ठीक है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आपको क्या है कि नहीं, मुझे नखरा करना है, इसको आप क्या देते हो, 100 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर दे देते हो। अब इसमें क्या होता है कि ये अपने ये अवकाश से ज़्यादा इसको आप दे देते हो, मतलब इसकी अब क्षमता रह नहीं जाती है। अब ये क्या करेगा, बोलेगा अब मुझसे नहीं हो पाएगा भैया, मुझे माफ़ करो, ले धड़ाधड़। सेम चीज़ यहाँ भी होती है, अभी इसको इतना टेम्परेचर मिल गया, अभी धड़ाधड़ क्या होगा, टूट जाएगा, किस में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा। तो ये एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, देखिए ये क्या हुआ, पानी था, लेकिन अब किस में बदल गया, भाप में। जैसे कि इंसान को क्या करो, मतलब पीटते पीटते इतना मत मार दो सीधे से क्या हो जाए, खराब आदमी बन जाए। वैसे सेम चीज़ यहाँ पे, आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो पानी से किस में बदल गया, भाप में, मतलब इसने अपनी क्या की, अवस्था बदल दी, पानी से भाप में बदल गया, मतलब एक रूप से दूसरा रूप धारण कर लिया। और इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट बोलते हैं। इसको आप ऐसे, अब डिफिनेशन क्या है कि 1 kg, ठीक है, जैसे 1 kg क्या होता है, कोई पदार्थ है या एक केजी कोई लिक्विड, 1 liter कोई लिक्विड है, उसमें जितना टेम्परेचर दें कि वो अपनी अवस्था बदल ले, वो क्या हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या, उस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ये डिफिनेशन हो गया, लेकिन ये डिफिनेशन तो कॉमन सेंस में तो यही चीज़ है, भैया पानी था, हमने 100 डिग्री सेल्सियस दिया, ये अचानक से क्या हुआ, भाप में बदल गया, यही तो डिफिनेशन है। तो डिफिनेशन आपको याद करने की क्या जरूरत है, जब आप उसको कॉमन सेंस में समझ रहे हो वही चीज़ आप बना के वहां पे लिख सकते हो या नहीं। अब आप बात आती है कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये किस बारे में है। मैं आपको ये चीज अभी बता चुका था, अभी जस्ट मैंने आपको ये चीज बताई थी कि लैटेंट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ठीक है।
तो लेटेंट हीट क्या होता है, दो दो के लिए काम करता है, एक तो लिक्विड से वेपर में बदलेगा, मतलब पानी किस में बदलेगा, भाप में बदलेगा, एक बर्फ किस में बदलेगा, लिक्विड में बदलेगा। तो वो टेम्परेचर ठीक है, वो ऐसा टेम्परेचर जिसमें क्या हो, सॉलिड मतलब बर्फ जो है या लोहा जो है वो किस में बदल जाए, तरल में बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए, या अपना फेस चेंज कर ले, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिंपल सी बात है, मतलब 1 kg को ठीक है लिक्विड में बदलने के लिए ठीक है जो टेम्परेचर चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, सिंपल सी है। तो क्या इसको आप अपने भाषा में बना के नहीं लिख सकते हैं? मैं आपको ऐसे नोट्स क्यों नहीं ला रहा हूँ, मैं चाहता हूँ चीज़ों को आप कॉमन सेंस में समझें, कॉमन सेंस में समझेंगे चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी, ठीक है। एग्जाम भी अगर आप उसको रिलेट कर पाएंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो समझ में नहीं आ रहे लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आप उन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, जब रिलेट कर पाएंगे तो आप चीज़ों को आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये क्या है, 1 kg पदार्थ, 1 kg सॉलिड को क्या किया आपने, लिक्विड में बदल दिया, उसका फेस चेंज कर दिया, जिस टेम्परेचर पे, वही टेम्परेचर क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, मतलब वही हीट जो होती है, जो हीट मिलती है वही क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। अब सेम चीज है, आगे चलते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब यहां पे देखिए बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बॉइलिंग पॉइंट समझेंगे और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझेंगे, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझा, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी वही चीज है, सॉलिड से लिक्विड में बदला, तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड से वेपर में बदलेगा। देखिए सेम चीज है, आप समझ में भी आपको आ गया होगा लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक सेकेंड, इससे पहले मैंने क्या बताया था, बॉइलिंग पॉइंट तो हो गया था ना सर, हाँ। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये क्या है आपका, पानी है, आपने इसको भगोने में भर दिया, अब यहां से क्या कर रहे हैं आप, इसको हीट दे रहे हैं प्रॉपर। जब हीट देंगे तो ये क्या होगा, ये जो पानी होगा किस में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा, किस में, वेपर में बदल गया। तो ठीक है, तो मतलब वो टेम्परेचर जिसमें क्या हो कि जो पानी है, ठीक है जो पानी है वो क्या हो, लिक्विड में बदल जाए, या जो तरल है, ठीक है जो लिक्विड है वो किस में बदल जाए, भाप में बदल जाए, उस टेम्परेचर, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। कौन सी पॉइंट, टेम्परेचर की पॉइंट। अब आपने क्या किया, यहां पर एक टेम्परेचर रख दिया है, ठीक है नापने वाला। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, ठीक है 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तो ये क्या हो रहा है, वेपर में बदल जा रहा है। ये जो पॉइंट है क्या है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। वैसे ही मान लीजिए आपने यहाँ पे चीनी रखा, ठीक है इस बॉक्स में आपने चीनी रखा, ठीक है आपने यहाँ पे मीटर लगा दिया, अब आप इसको गर्म कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि 115 डिग्री सेल्सियस ये क्या हुआ, सीढ़े में बदल गया, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि जो सीढ़े का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, नहीं सीढ़े का नहीं, मान लीजिए कोई और चीज़ है जो वेपर में बदले, ठीक है मैं वेपर की बात कर रहा हूँ, तो क्या किसी वेपर में बदल गया, तो आप बोलेंगे कि इसका 115 डिग्री सेल्सियस बदला। तो आप बोलेंगे कि ये जो चीज है, ठीक है ये जो लिक्विड है, 115 डिग्री सेल्सियस पे भाप में बदल जा रहा है, और ये इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो आप बात समझ में आई कि वो टेम्परेचर जिसपे कोई तरल, ठीक है या कोई लिक्विड या कोई पानी या कोई ऐसा पदार्थ जो लिक्विड के फॉर्म में हो वो किस में बदल जाए, भाप में बदल जाए, वो क्या हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। अब सेम चीज होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए अभी तक आपने देखा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता था, कि इतनी हीट हम दे दें किसी पदार्थ को या ठोस को, वो किसे बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए। सेम चीज यहां पे होती है कि इतना हीट हम दे दें, ठीक है अभी तो क्या था, ठोस से पानी बदला, तरल में बदला, अब इसको इतना हीट हम दे दें कि ये किसमें बदल जाए, वेपर में बदल जाए, किसमें, वेपर भाप में बदल जाए, ठीक है किसमें, हवा में बदल जाए, गैस के रूप में बदल जाए, तो ये क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ मतलब वेपराइजेशन। इसका मतलब ये है कि 1 लीटर, ठीक है 1 लीटर लिक्विड को, ठीक है हमको उतनी हीट देनी पड़े जिससे क्या हो, वेपर में बदल जाए, तो उस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिंपल सी बात है, आप पहले जो चीज समझेंगे तो वही चीज आपको आगे रिलेट कर पाएंगे और इसको आसानी से आप समझ पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि सब कॉमन सेंस है, सब सारी चीजें हमारे आसपास से रिलेटेड हैं, हमको डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, डिफिनेशन हम खुद से बना लेंगे, ठीक है और किसी को समझा भी लेंगे। तो आगे चलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन का मतलब यह है, डिफिनेशन ना समझ के पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कपूर आप जलाते हैं, आप देखेंगे वो क्या होता है, सीधा गैस में बदल जाता है, क्या होता है, गैस में बदल जाता है। वैसे ही क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को हम क्या करें, डायरेक्ट गैस में बदल दें, वो क्या हो जाता है, सब्लिमेशन होता है। एक चीज में कपूर तो आपने देखा होगा, एक चीज में और आपको बताऊंगा, वो क्या क्या है, वो ड्राई आइस।
ड्राई आइस, अब अगर यूट्यूब पे जाएंगे वीडियो डालेंगे तो उसमें क्या होता है वो किसके कपूर की तरह दिखता है वो सफ़ेद, लेकिन जैसे आप उसको पानी में डालेंगे वो क्या होगा तुरंत भाप में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सब्लिमेशन है, मतलब वो चीज़ सीधा ठोस से भाप में बदल जाए वो क्या हो जाता है सब्लिमेशन। अब वैसे ही क्या होता है जो गैस होता है, ठीक है, गैस अगर डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाए तो वो क्या होता है सब्लिमेशन होता है, सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड। ठीक है, ये क्या होता है सब्लिमेशन होता है। अब इसमें आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, सब्लिमेशन क्या होता है कि ऐसा, मतलब सब्लिमेशन में क्या होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करें जो, ठीक है, जो हमारा ठोस है उसको क्या सीधा हम गैस में बदल दें वो क्या है सब्लिमेशन है, और ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करें जो गैस है उसको हम ठोस में बदल दें वो हमारा सब्लिमेशन है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगा, कपूर है, ठीक है, एम्फॉन, कैम्फॉन इसका नाम है, और दूसरा क्या है ड्राई आइस, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये आपका पूरा क्या हो जाता है सब्लिमेशन प्रोसेस है। अब बात आते हैं एवापोरेशन के बारे में, ठीक है, मतलब इसको आप सिंपल सी बात समझिए कि जो भाप निकलता है, आप चाय पीते हैं तो चाय ठंडा क्यों होता है, ठीक है, जो आप चाय पीते हैं, ठीक है, चाय ठंडा क्यों होता है, जाहिर सी बात इसमें भाप निकलेगा, क्या होगा भाप निकलेगा, और इसी भाप निकलने की वजह से क्या होता है चीज़ें ठंडी होती हैं। आप देखेंगे जब आप मुट्ठी बंद करते हैं तो आप देखेंगे आपको गर्म लगता है, लेकिन जब आप इसको खोल लेंगे इसके अंदर जो टेम्परेचर है उसको निकलने के लिए क्या होता है ज़्यादा जगह मिल जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं एवापोरेशन बोलते हैं, इससे क्या होता है भाप बाहर निकलता है। तो यही चीज़ होता है, इसका काम बहुत, इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है चीज़ों को कूल करने में, ठीक है, क्या होता है कूल करने में इसका बहुत बड़ा एक रोल होता है। वैसे अगर अब देखिए सवाल भी ऐसे आ सकता है कि ठंडी में, ठीक है, आपको जब आप जो ठंडी में जो कुत्ता होता है जो जानवर होता है वो क्यों सिकुड़ के बैठता है, तो आप सिंपल सी इसका जवाब ये दे सकते हैं क्योंकि उसका जब वो फैल के सोएगा उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर जो रेडिएशन उसको बाहर निकलने में आसानी मिलेगी, हीट निकलने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाएगा तो जल्दी ठंडा होगा, इस वजह से सिकुड़ के सोता है ताकि उसको उसकी एनर्जी क्या हो बाहर कम निकल पाए और उसकी गर्मी उसके अंदर बनी रहे। सिंपल सी बात है, ठंडी में आप देखेंगे इसलिए आप ऐसे सिकुड़ कैसे बैठते हैं, क्यों बैठते हैं ताकि क्या हो सरफेस एरिया कम हो जाए और ज़्यादा हीट हमारे अंदर से बाहर ना निकल पाए। वही उसी तरीके से चाय के प्लेट में होता है, बड़ा चाय प्लेट रखते हैं जल्दी ठंडा हो जाता है, फिर बोलते हैं मज़ा नहीं आया, छोटा प्लेट होता है तो ज़्यादा गर्म होता है, और कफ होता है तो उसमें और देरी तक वो क्या होता है गर्म रहता है। तो सेम चीज़ यहाँ होता है, ये क्या होता है एवापोरेशन, इसका रोल सबसे बड़ा क्या होता है कि चीज़ें जल्दी ठंड, ये कूलिंग करने के लिए बहुत इसका यूज होता है। अब जब सवाल आए तो इसको कॉमन सेंस यूज करिए, कोई चीज़ बोले कि कोई पदार्थ ऐसा है वो उसका सरफेस एरिया बड़ा है कि क्यों ठंडा हो जा रहा है, तो पदार्थ को छोड़िए, गया तेल ले रहे हैं, पदार्थ छोड़िए, सिंपल से प्रोसेस समझिए, ठंडा हो रहा है इसका मतलब भाप निकल रहा होगा, एनर्जी निकल रही होगी, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं एवापोरेशन बोलते हैं। तो ये आज छोटा सा एक लेक्चर था, तो ये थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, कल हम बात करेंगे इसके बारे में, न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, और ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे ताकि जो हमारे दोस्त हैं मित्र हैं उनका एग्जाम में हम हेल्प कर सकें। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जो आपके दोस्त पढ़ने वाले उनको शेयर जरूर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।